वेलकम बैक दोस्तों। तो देखा आपने दुनिया की मोस्ट डेडली एंड लीथल लाइट मशीन गन को, इसका नाम है निगेव NG7, और अब ये भारतीय सेना के पास है। ये कॉम्बैट प्रूवन है, यानी कई सारे युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ है। इसे बनाया है इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने, यानी IWI ने। सबसे पहले निगेव NG5 आया था और उसे डिजाइन और डेवलप किया गया था 1990s में। इसका प्रोडक्शन शुरू हो पाया था 1995 में और फाइनली इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने, IDF ने इसे इंडक्ट किया था 1997 में। तब फिर 2012 में इसका नया अवतार आया, निगेव NG7, जो एक 7.62x51mm की कैलिबर की मशीन गन है और जो ज़्यादा घातक है, ज़्यादा डेडली है, और भारतीय सेना NG7 को ही इस्तेमाल कर रही है अब। ये मशीन गन पहले से खबर थी कि इसे पुंज लॉयड बनाएगी, क्योंकि पुंज लॉयड और IWI के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और तब ये खबर थी कि पुंज लॉयड, जो कि एक भारतीय कंपनी है, वो इस NG7 को बनाएगी, पर बाद में वो फेल हो गया। सबसे खास बात इस लाइट मशीन गन की है कि इसमें एक लीवर है जिसे हम फायर कंट्रोल सेलेक्टर स्विच कहते हैं। इसमें A फॉर फुली ऑटोमेटिक मोड है एंड R फॉर सेमी ऑटोमेटिक मोड। ये दुनिया की दोस्तों ऐसी पहली मशीन गन है जिसमें रिकॉयल काफ़ी लो है और सेमी ऑटोमेटिक मोड भी है, यानी किसी और मशीन गन में सेमी ऑटोमेटिक मोड नहीं होती है। इससे गोलियों की बचत होती है। इस तरीके के 16,479 लाइट मशीन गन्स को भारत ने खरीदा है, उसके ऑर्डर प्लेस किए थे और अक्टूबर 2021 तक सारे के सारे डिलीवर हो गए हैं। और अब ऐसी रिपोर्ट है कि LAC और LOC दोनों जगहों पर इसे अच्छे तरीके से पहुंचा दिया गया है। जैसा मैं कह रहा था कि ये काफ़ी हल्की लाइट मशीन गन है, तो आप देख सकते हैं कि इसका वजन सिर्फ 7.95 kg है और स्टॉक फोल्डेड में 7.8 kg है, जबकि बाकी मशीन गन्स जो हैं लाइट मशीन गन्स, उनका वजन 11 से 12 किलो है। लेंथ इसका 43.3 इंचेस है और 40.55 है स्टॉक फोल्डेड में। तो इतनी हल्की मशीन गन है, उस लिहाज से इसको कैरी करना ज़्यादा ईजी है, ऑपरेट करना ज़्यादा ईजी है। बैरल लेंथ NG7 में 20 इंचेस है और NG7SF में, जो कि जिसका बैरल थोड़ा छोटा होता है, उसमें ये 16.5 इंचेस है। अब ये खबर है दोस्तों कि शायद अदानीज इसे यहां बनाएंगे। रेट ऑफ फायर देख सकते हैं 600-750 राउंड्स पर मिनट, जो काफी डेडली है। और जैसा मैं कह रहा था कि अदानीज इसे भारत में बनाएंगे, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये मशीन गन्स जो आई हैं भारतीय सेना के पास में, उन्हें उसे अदानीज ने बनाया है या फिर डायरेक्ट ये इसराइल से आई हैं। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 1.2 किलोमीटर है, लेकिन इफेक्टिव रेंज 300 से 1000 मीटर तक की है, तो काफ़ी है मेरे ख्याल से। और इसका जो फिटिंग सिस्टम है वो 100 से 125 राउंड्स फैब्रिक कंटेनर में, आपने देखा होगा जो कंटेनर है उसे लोड किया जाता है, या फिर 200 राउंड्स का बेल्ट कंटेनर होता है, उसे इसमें अटैच कर सकते हैं और हम इसे यूज़ कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। इसके अलावा जो खास बात है वो वाटर प्रूफ है, आप देख सकते हैं इसकी वाटर टेस्टिंग हो रही है, तो रस्ट लगने की कोई चांसेस नहीं है, यानी इसे हम बारिश में, पानी के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और ये कभी जाम नहीं होती, इसमें रस्ट नहीं लगता है। तो इस तरीके की खूबियाँ इस मशीन गन में है जो बाकी मशीन गन्स में शायद ना हो। हो सकता है कि उसमें रश लगता हो या फिर जाम हो जाता होगा। अब ये दूसरा टेस्ट आप देख सकते हैं, ये मड टेस्ट है, यानी इतने सारे मड को, यानी कीचड़ को इसके ऊपर डाला जा रहा है, लपेटा जा रहा है, और बाद में आप देखेंगे किस तरीके से इसी कीचड़ के साथ में इसे फायर किया जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी किसी भी कंडीशन में, चाहे पानी के अंदर भींग जाए इसे या फिर मिट्टी में ये सन जाए, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो ये है दोस्तों निगेव NG7 जो भारतीय सेना के पास है और एक डेडली लाइट मशीन गन है। तो इसी के साथ इस वीडियो का आज हम खत्म करते हैं। जय हिंद।